रेडियन कलीसिया के सभी परिवारों को और सभी ऑनलाइन वर्शिपर्स को यीशु मसीह के पवित्र नाम में प्रेम भरा नमस्कार। आज की इस ऑनलाइन वर्शिप सर्विस में आपका स्वागत है। भजन संहिता उसका 50 में जो है वहां से मैं आपके सामने एक पद पढ़ना चाहता हूं। यहां पर लिखा है कि जो भी व्यक्ति जो है परमेश्वर का के सामने बलिदान चढ़ाता है, धन्यवाद का बलिदान चढ़ाता है, वह मेरी महिमा करता है, और जो अपना मार्ग सीधा बनाए रखता है पर वह परमेश्वर के उद्धार को देखेगा। हालेलुया। आज जो है हम परमेश्वर के सामने अपने धन्यवादों के बलिदान को चढ़ाते हैं, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं, उस बलिदान के लिए जो परमेश्वर ने अपने बेटे यीशु मसीह के द्वारा हमारे लिए दिया, और साथ में हम परमेश्वर के सामने सीधे मार्ग में चलने के लिए अपने आप को नए रूप से सौंपते हैं परमेश्वर के हाथों में। हालेलुया। आइए आज की इस वर्शिप को हम एक छोटी प्रार्थना के द्वारा आरंभ करें। पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा, इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर यहोवा, आपकी स्तुति करते हैं उस प्रेम के लिए जिस प्रेम को आपने अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह में होकर के हम पर प्रकट किया। जब हम पापी ही थे तो मसीह हमारे लिए मर गए ताकि उनके मृत्यु के द्वारा हम जीवन पाए। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, जो दूर थे वो पास बुलाए गए हैं। परमेश्वर इस आज के इस पूरी ऑनलाइन वर्शिप सर्विस को आपके सर्वशक्तिशाली हाथों में सौंपते हैं प्रभु। आप प्रभु जी इसका पूरा संचालन लें। बोलने वाला मैं ना हूँ, बोलने वाले आप हूँ प्रभु जी। और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि गीतों का गाया जाना, वचन का पढ़ा और सुना जाना और प्रार्थनाओं का किया जाना सब कुछ आपके सामने एक सुगंध के समान, धूप के समान आपके सामने आ सके और आप उसको आपके सम्मुख ग्रहणी होके हो सके, क्योंकि इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन। सब यीशु क्राइस्ट के नाम में जय मसीह। भजन संग्रह 95 को एकले यसरी भनेको छ, आओ हामी परम प्रभुको प्रशंसा गर, हामीलाई रक्षा गर्ने हुने परम प्रभु कहाँ आनन्दले भजन गाउँ। कति रमाइलो वचन है। परमेश्वर यति महान हुनुहुन्छ कि हामीलाई यति धेरै प्रेम गर्नुहुन्छ कि हामीले न नाप्न सक्ने न देख्न सक्ने यति धेरै प्रेम गर्नुहुन्छ। हामी परमेश्वरको नाउँले उच्चालेर उहाँको सामदमा उहाँको नामले उच्च पारेर हामी एउटा भजन गाउने छौँ, किनभने परम प्रभु सम्हारती परमेश्वर हुनुहुन्छ र अरू सबै देवी देवताहरूमाथि सम्हारती महाराजा हुनुहुन्छ। हामी परमेश्वरमा आफ्नो बल, आफ्नो ताकत अनि परमेश्वरमा आफ्नो आनन्द हेर्नेछौँ। यो भजनले यसरी भनेको छ, तपाईँको आनन्द मेरो बल हो। परमेश्वरको आनन्द नै हाम्रो बल हो अनि हाम्रो सामर्थ्य हो। आउनुहोस् हामी यो गानाद्वारा परम प्रभुलाई प्रशंसा गर्नेछौँ।
परमेश्वर को उपस्थिति में आनंद छ, परमेश्वर को उपस्थिति में प्रेम छ। हमी जति पनि गलती गरेका होला, हमी जति पनि पापी हुँदा पनि परमेश्वरले हामीलाई हमेशा अपनाउनु भएको छ। परम प्रभुमाथि भरोसा गर, उहाँमाथि भरोसा गर, अनि नै गर्नु पर्नेछ, उहाँले गर्नुहुनेछ। हामी परमेश्वर जस्तै बन्नको लागि कोसिस गर्नुपर्छ। उहाँले हामीलाई के गर्नुभएको छ, हामीले धेरैवटा समयमा हामी गलत मार्गमा जानेछौँ, गलती कामहरू गर्नेछौँ, तर पनि परमेश्वरले हाम्रो हात कहिले पनि छोड्नुहुनेछैन। आउनुहोस् हामी दोस्रो एक भजन गाउनेछौँ, एउटा हिन्दी गाना हो। Thank you.
तुझको मैं तुझको पसंद जब तीवन में हामी हर एक काम तेरी चाह।
आत्मामा जीवन जिरहेका छौँ। प्रभु तपाईँको आनन्द, तपाईँको आनन्द हाम्रो बल हो प्रभु, अनि हामी तपाईँ जस्तै नै बन्नु न चाहन्छौँ प्रभु। प्रभु तपाईँको आदत, तपाईँको इच्छा हामीमा पुरा गर्नुहोस् प्रभु। प्रभु हामीलाई अपनाउनुहोस् प्रभु, हामीलाई सही मार्गमा डोर्याउनुहोस् प्रभु। प्रभु हाम्रो मण्डलीलाई एक मुठी बन्नको लागि सहायता गर्नुहोस्। हामीलाई फल्दै फुल्दै वृद्धि हुनको लागि सहायता गर्नुहोस् प्रभु। प्रभु धेरैवटा समयमा प्रभु हामी गलत मार्गमा जानेछौँ प्रभु, संसारका जीवनले, संसारिक जीवनले चलाउँदछौँ प्रभु, तर प्रभु तपाईँले हाम्रो हात कहिल्यै छोड्नु भएको छैन प्रभु। अनि हामीलाई आशा छ प्रभु कि तपाईँ हाम्रो हात कहिल्यै पनि छोड्नु हुने छैन प्रभु। प्रभु हामीलाई सधैँ नै प्रभु तपाईँको जस्तै बन्नको लागि सहायता गर्नुहोस्, तपाईँको राज्यमा आउनको लागि सहायता गर्नुहोस् प्रभु। प्रभु तपाईँले हामीलाई यति धेरै प्रेम गर्नुभएको छ प्रभु, यति धेरै प्रेम प्रभु जो नाप्न नसक्ने नै प्रभु, जो समुद्र भने पनि यति धेरै गहिरो छ प्रभु, अनि आसमानभन्दा पनि यति उच्च परमेश्वर। प्रभु हामीलाई तपाईँ जस्तै बन्नको लागि सहायता गर्नुहोस् प्रभु। अनि प्रभु म यो सेवा सङ्गति, यो मण्डलीलाई तपाईँको हातमा राख्दैछु प्रभु। हामीलाई तपाईँको प्रेममा जिउनको लागि सहायता गर्नुहोस्। अनि यहाँबाट हामी जे पनि गर्नेछौँ प्रभु, हामी जहाँ पनि जानेछौँ प्रभु, तपाईँको नाउँलाई उच्चार्नको लागि सहायता गर्नुहोस् प्रभु। सबै कुरा तपाईँको हातमा राख्दैछौँ प्रभु, अनि माग्दछु आशिष उच्च अनि पवित्र प्रभु येशु ख्रिस्टको नाममा, आमेन। जय मसीह सबैलाई। आजको मुख्य पद चाहिँ फर्स्ट सैमुएलको 9:1-10 छ। यहाँ यस्तो लेखेको छ कि बेन्यामिनको कुलको एकजना मान्य मानिस थिए जसको नाउँ क्रिस थियो। तिनी अर्बियल छोरा जारोका नाति अबरलता परनाति र अपिहरका जनाति थिए। जवान अवस्थामा पुगेका अर्कसक शाहुल नाउँ भनेको तिनको एकजना छोरा थिए। त्यस बेला इजरायलमा उनको बराबरीको कोही थिएन। उनी सबैभन्दा एक टाउको जाति अग्ला थिए। एक दिन शाहुलका पिता कोशिश केही गधाहरू हराए, यस कारण तिनले आफ्ना छोरा शाहुललाई भने, एकजना नौकरलाई लिएर गधाहरू खोज्न जाऊ। उनी इफर्नको पहिल्यै देशबाट पार गरेर शाहिलशोको जिल्ला भएर गए, तर तिनी भेटाउन सकेन। उनीहरू शाहिलको जिल्ला भएर गए, तर त्यहाँ पनि गधाहरू थिएन। उनीहरू बेन्यामिनको इलाकाबाट भएर गए, तरै पनि गधाहरू भेटाउन सक्दैन। जब उनीहरू सुपेको जिल्लामा पुगे, शाहुलले अर्फुरसँग गएको त्यस नौकरलाई भने, आइजक हामी पर्खौँ, नत्र त बाबुले गधाहरूको फिक्र गर्न छोडेर हाम्रो सुत्त गर्न लाग्नुहुनेछन्। तर त्यस नौकरले भन्यो, त्यस समयमा परमेश्वरका खुब नाम चलेका एकजना मानिस छन्, तिनले भनेका सबै कुरा पुरा हुन्छ, हामी त्यहाँ जाउँ, सायद हाम्रो कामको विषयमा तिनीले केही बताउन सक्छन् कि। शाहुलले भने, हामी गए भने हामी तिनलाई के दिन सक्छौँ? हाम्रो झोलामा केही खानेकुरा छैन, परमेश्वरका जनको निम्ति केही सौगत पनि छैन, हामीसित केही छैन र। त्यस नौकरले फेरि भने,
हेर्नुहोस्, मानिस यहाँ चाँदीको एक चौथाई सोकेल छ। हामी कता जानु पर्छ सो बताइदिनु भन् पात म ती मानिसलाई त्यो दिन्छु। पहिल्यै पहिल्यै कुनै मानिसले परमेश्वरसित सल्लाह गर्न इच्छन गर्दा इजरायलमा त्यसको भने चलन थियो, हामी दर्शक कहाँ जाउँ किनभने हिजो आजको अगलमा बातलाई त्यस बेला दर्श भन्दैन। साहुलले भने, बेस अब हामी तिनी कहाँ जाउँ, तब उनीहरू परमेश्वरका ती मानिस भएको सहारमा गए। आमेन। हालेलुया। आज हम लोग परमेश्वर की मेज में शामिल होंगे, परमेश्वर की टेबल में शामिल होंगे, परमेश्वर के होली सफर में शामिल होंगे, और इसीलिए आप अपने स्थानों पर परमेश्वर के रोटी और प्याले को तैयार रख लीजिएगा, ताकि हम इस सभा के अंतिम भाग में एक साथ मिलकर परमेश्वर की मेज में भाग लेंगे और परमेश्वर की उस प्रभु यीशु मसीह की उस मृत्यु को स्मरण करेंगे जो उस बलिदान के रूप में, एक सिद्ध बलिदान के रूप में उन्होंने मानव जाति के पापों के लिए उन्होंने अपना दिया। और आज के लिए जो वचन चुना गया है वो पाया जाता है पहला शमूएल उसका नवा अध्याय, और यहाँ पर हम एक ऐसी कहानी देखते हैं कि जबकि परमेश्वर के लोगों ने, इज़राइल के लोगों ने एक राजा की मांग करी, तो अब जो है हम देखते हैं कि कैसे कैसे जो है परिस्थितियों को जो है इस तरीके से परमेश्वर वीव कर रहे हैं कि अब जो है जो इज़राइल का पहला राज्य है, राजा है, वो जो है अब जो है प्लेटफॉर्म पे आता है, उसके आंखों लोगों की नज़र में आता है, और इज़राइल का जो पहला राजा है वो शमूएल के द्वारा जो है उसका जो है चयन किया जाता है, उसको अभिषिक्त किया जाता है ताकि वो राजा के रूप में अपने सेवाकाई को कर सके। तो यहाँ पर जो हम नवे अध्याय में देखते हैं कि एक बड़ी ही मामूली घटना होती है, वो ये घटना होती है कि वो जो है साउल जो है उसके पिता के जो गधे हैं वे खो जाते हैं, और उसका पिता उन्हें आज्ञा देता है कि अपने साथ एक दास को ले जाना, और जो है उन गधों को तुम क्या करना, उनको ढूंढ ले आना। और ऐसा करते हैं कि साउल ढूंढते उनको चले जाते हैं, लेकिन उन गधों का उन्हें कोई पता नहीं होता है, और जाते जाते वो एक ऐसे स्थान पर पहुंचते हैं जो कि सूफ नामक एक जगह है, और सूफ नामक एक वही जगह है जो शमूएल का घर था, जहां पर वो शमूएल का निवासी था, और यहां पर आकर के फिर वो हम देखते हैं कि वो शमूएल से भेंट करता है। तो पहली बात जो है आज के संदेश की हम देख सकते हैं कि परमेश्वर असाधारण जीवन के जो घटनाएं हैं उनके द्वारा अपने सर्वभौमिक जो योजनाओं को, अपने अनंतकालीन योजनाओं को परमेश्वर परिपूर्ण करने के लिए परमेश्वर कार्य करते हैं। तो इसीलिए जो एक विश्वासी का जीवन है उसके जीवन में कुछ भी जो है हम कह सकते हैं कोइंसिडेंट नहीं है, कुछ भी जो है एक यकायक होने वाली घटना नहीं है, परंतु जो भी कुछ हमारे जीवन में घटता है उसके माध्यम से परमेश्वर कुछ ना कुछ करने के लिए हमारे जीवन में अग्रसर हैं। हालेलुया। और इसीलिए हम उत्साहित रहते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे यहोवा की आंखें हम पर हैं, और यहोवा जो भी कुछ कर रहे हैं वो हमारी भलाई के लिए कर रहे हैं। हालेलुया। और रोमियो का 8 अध्याय में लिख दिया गया है कि इसलिए सब बातें मिलकर उनसे जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं भलाई को उत्पन्न करती हैं। और इसीलिए कभी कभी आपके जीवन में और मेरे जीवन में जब दुख का समय आता है, जब दुख की घड़ी भी आती है, तो भी जो है हम निराश नहीं होते। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि यहोवा परमेश्वर अपने लोगों के लिए उस दुख की घड़ी में भी कुछ ना कुछ बेहतरी का जो है प्लान को पूरा अंजाम दे रहे हैं। हालेलुया। और दूसरी बात हम देखते हैं कि जब 5वें पद में हम देखते हैं कि जब वो साउल ने ये निर्णय किया कि हमें वापस जाना चाहिए क्योंकि हमारे पिता जो है, जो मेरा पिता है, वो मेरे बारे में, गधे के बारे में चिंता छोड़ करके मेरे बारे में चिंता करने लगेगा, तब जो है उसके साथ में जो दास था उसने कहा कि ऐसा करते हैं, यहाँ पर हम इस ऐसे स्थान पर हैं, ऐसे नगर के पास में हैं जहाँ पर परमेश्वर का अभिषिक्त दास रहता है, तो काश कि ऐसा क्यों ना हो कि हम उसके पास चले और हम उससे जो है
कुछ बातें कर सकें, उससे हम कुछ पता सहायता प्राप्त कर सकें और गधों का पता लगा सकें। तो यहां पर हम देखते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति है जो एक संसारिक रूप से एक बिल्कुल सिंपल व्यक्ति है, बिल्कुल साधारण व्यक्ति है और उसका समाज में कोई स्थान नहीं है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि वो जो है एक इम्पॉर्टेंट किरदार खेलता है, उसका एक इम्पॉर्टेंट योगदान है उस परमेश्वर की सार्वभौमिक योजना को पूरा करने के लिए। हालेलुया। इसीलिए जब आप अपने आप को देखते हो, और शायद आपका कोई बहुत समाज में हो सकता है कोई बहुत बूढ़ा और बहुत बड़ा कोई स्तर ना हो, आपके पास कोई बहुत बड़ी जॉब ना हो, आपके पास कोई बहुत बड़ी पोस्ट ना हो, लेकिन परमेश्वर के लिए जो आपका यूजफुलनेस है, परमेश्वर के राज्य में जो आपका महत्व है, वो इस बात से नहीं है कि आप कितने बड़े स्थान को आप के ऊपर जॉब कर रहे हो, या आपका समाज में क्या रुतबा है, या आपके समाज में कितना सम्मान है, लेकिन आपकी जो परमेश्वर के राज्य में जो महत्व है वो इस बात पर है कि आप परमेश्वर के नजदीकता में और परमेश्वर की वफादारी में अपने कार्य को जो भी आपको दिया गया है उसको कितनी वफादारी से आप निभा रहे हो। क्योंकि जो भी काम जो आपको दिया गया है जब आप उसको पूरे दिलो जान से निभाते हो तो उसके थ्रू परमेश्वर कुछ ऐसा कार्य कर रहे होते हैं जो कि हमारे जीवन से बढ़कर परमेश्वर के राज्य को किसी बड़े रूप से प्रभावित कर सकता है। हालेलुया। और इसीलिए जो भी कुछ आप करें, वचन कहता है कि उसको पूरे दिलो जान से करना, ये सोचकर नहीं कि तुम इंसानों के लिए कर रहे हो, लेकिन ये जानकर कि जो भी तुम कुछ कर रहे हो वो परमेश्वर के लिए और परमेश्वर की महिमा के लिए कर रहे हो, क्योंकि उन्हीं साधारण कार्यों से भी परमेश्वर अपने अनंतकालीन योजनाओं को पूरा करने की योग्यता रखता है। हालेलुया। और तीसरी बात हम देखते हैं कि शाऊल एक ऐसा व्यक्ति है जो परमेश्वर के दास के पास जाता है एक सांसारिक आशीषों को प्राप्त करने के लिए, और मैं सोचता हूं कि वो अपने जो समाज के लोग हैं, वो अपने समाज के जो अगुए हैं, उन्हीं का एक प्रतिनिधित्व था, क्योंकि उन्होंने भी जो है एक राजा की मांग करी थी ताकि वो अन्य देशों के समान राजा को प्राप्त करें और उसके द्वारा राजा उनकी रखवाली करे और उनके उनकी फसल की और उनके भेड़ बकरियों की और उनकी जानी चीजों की जो है वो रखवाली कर सके, उनके लिए युद्ध कर जा सके। और मैं सोचता हूं कि आज भी जब पास्टर्स के पास लोग दुआ कराने आते हैं तो कितने लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर की आत्मिक आशीषों के लिए दुआ कराने के लिए आते हैं, और कितने लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि प्रभु हमें ये दिलवा दो, प्रभु हमारे को जॉब लगवा दो, प्रभु हमारे हमारे बेटे को ये हो जाए, प्रभु हमारे को ये मिल जाए, प्रभु हमारी ऐसी चीज हो जाए। लेकिन कितने लोग ऐसे हैं जो कहते हैं प्रभु के दास से बोलते हैं कि प्रभु के दास जी मेरे लिए प्रार्थना करिए ताकि मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ने वाला बन सकूं, प्रभु के दास जी मेरे लिए, पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना करिए ताकि मैं प्रार्थना का जीवन प्राप्त कर सकूं, पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना करिए ताकि मैं पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त कर सकूं, पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना करिए कि मैं परमेश्वर की योजनाओं को जो मेरे लिए उसने योजना तैयार की है उस योजना को पहचान सकूं और उसके अनुसार मैं अपना जीवन संचालित कर सकूं, पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना करिए कि मेरा पारिवारिक जीवन जो है उसकी उसमें जो है एक प्रार्थना का जो है जीवन बन सके, एक परमेश्वर के सम्मुख जीवन जीने बिताने वाला जीवन मेरा जीवन बन सके, हमारा पारिवारिक जीवन बन सके, पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना करिए ताकि मैं नम्र और दीन इंसान बन सकूं और हर एक प्रकार की घमंड की बातें मेरे अंदर से निकल सके। ऐसे कितने लोग हैं जो आज की तारीख में ऐसी प्रार्थनाओं के लिए जो है वो परमेश्वर के दास के पास जाते हैं। बड़ी दुख की बात है कि ऐसे लोग बहुत कम हैं, लेकिन जो संसारिक आशीषों के लिए पाने के लिए लाइन लगाते हैं, इधर जाते हैं, इस पास्टर के पास जाते हैं, उस पास्टर के पास जाते हैं, ऐसे लोगों के पास जो ऐसे लोगों की संख्या बहुत अधिक है। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि तुम संसार की चीजों की ओर प्रेम मत करना, लेकिन उन बातों की ओर ध्यान करना जो आत्मिक बातें हैं। कुलुसियों का 3:1 में क्या लिख दिया गया है कि इसीलिए क्योंकि तुम मसीह के साथ अब जो है जिला दिए गए हो, इसीलिए तुम उन वस्तुओं की खोज में लगे रहो जो स्वर्ग की हैं, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर विराजमान है। तुम संसार की ओर मत ध्यान करो, क्योंकि बाइबल कह देती है जब तुम परमेश्वर की धार्मिकता और सच्चाई की खोज करोगे तो संसार की वस्तुएं तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी, क्योंकि परमेश्वर जानते हैं तो कि तुम्हें इस संसार में रहने के लिए कुछ संसारिक बातों की भी आवश्यकता पड़ेगी, इसीलिए तुम निराश मत होना।
और इसीलिए हम कहते हैं कि हम निराश नहीं होंगे, हम परमेश्वर की ओर लगे रहेंगे और परमेश्वर की बातों की ओर लगे रहेंगे। और जब हमारे पास नाना प्रकार की समस्याएं आती हैं, जब हमारे पास नाना प्रकार की परेशानियां आती हैं, उस घड़ी में हम जो है परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त करेंगे। हालेलुया। और हम जो देखते हैं कि जब जब जो है हम कोई परमेश्वर की योजनाओं में जाते हैं, तो हम देखते हैं कि वहां पर आपको एक संघर्ष का सामना करना पड़ेगा, लेकिन उस संघर्ष में भी जो है हम परमेश्वर की ओर जब लगे रहेंगे, जब परमेश्वर की धार्मिकता की ओर, सच्चाई की ओर लगे रहेंगे, तो परमेश्वर अपने लोगों के लिए एक सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। और यहाँ पर अंतिम बात हम जो देखना चाहते हैं आज के दिन, वो देखते हैं कि शमूएल जो है, जब उसको बोला गया कि तू चुना गया है, तो शमूएल कहता है कि मैं तो अपने घराने में और अपने जो है मैं गोत्र सबसे छोटे गोत्र का और मैं अपने घराने में सबसे साधारण व्यक्ति हूँ। तो वो जो है अपनी पहचान जो है वो अपनी पहचान इस बात पर आधारित करता है कि मैं कौन हूँ, मेरी सामाजिक स्तर क्या है। वो इस बात के ऊपर आधारित नहीं कर पा रहा है कि परमेश्वर ने उसको चुना है। और कई बार हम भी साउल के समान बन जाते हैं, हम कहते हैं कि परमेश्वर मैं इस काबिल नहीं हूं कि मैं तेरे लिए काम कर सकूं, और हम सोचते हैं कि हम बड़े नम्र हैं, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए, यदि असल में देखा जाए, तो हम नम्र नहीं हैं, लेकिन हम एक ये एक हमारे घमंडी स्वभाव का परिचय है, क्योंकि अभी भी आप अपने योग्यता के ऊपर और अपनी अपनी पहचान जो सांसारिक पहचान है आप उसके ऊपर आधारित अपना जीवन बिता रहे हो। और ध्यान कर लेना, जब आप सांसारिक पहचान के अनुसार अपना जीवन बिताते हो तो या तो आपको सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता है या फिर आपको इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता है, या तो आप अपने आप को बहुत अच्छा समझने लगते हो और या अपने आप को बहुत नीचे निम्न श्रेणी का समझने लगते हो। लेकिन जो है परमेश्वर कहता है कि अब जो मसीह में है वो एक नई सृष्टि बन चुका है, इसलिए अब जो है तुम अपनी पहचान इस बात पर आधारित मत कर लेना कि तुम क्या हो या क्या हो क्या थे, लेकिन तुम इस बात पर आधारित कर लेना कि तुम्हें यीशु प्रभु के लहू से चुना गया है और तुम यीशु के लिए बेशकीमती हो। और परमेश्वर ने तुम्हें इसलिए नहीं चुना कि तुम जगत के सर्वश्रेष्ठ लोगों में से थे, लेकिन परमेश्वर ने तुम्हें इसलिए चुना है क्योंकि तुम यीशु के नाम से पर्याप्त हो, तुम यीशु के नाम से योग्य बनाए गए हो, तुम यीशु के नाम से क्वालिफाई कर दिए गए हो। और अब जो है तुम्हारी योग्यता इस बात पर नहीं है कि तुम कितने योग्यशाली हो या तुम कितने प्रभावशाली हो, तुम्हारी पहचान इस बात पर है कि तुम्हें यीशु के लहू से खरीदा गया है, यही तुम्हारी पहचान है। इसीलिए तुम निराश मत होना, इसीलिए तुम दुखी मत हो जाना मेरे भाई और बहनों, अपने विश्वास को थामे रहना, क्योंकि वही विश्वास जो है तुम्हें अनंत जीवन के मार्गों में आगे की ओर ले जाएगा। जब जब आपके ऊपर शैतान शक लाता है, जब आपके ऊपर शैतान बोलता है कि तुम तो एक पापी इंसान हो, तो आपको ये कहना है कि मैं जरूर मैंने पाप किया है, लेकिन मैं फिर भी इस बात को जानता हूँ कि मेरी पहचान इस बात पर नहीं है कि मैं जो है मैं आज की तारीख में क्या हूँ, मेरी पहचान इस बात पर है कि मैं यीशु मसीह के नाम से मेरे को किस प्रकार से बचाया गया है और मेरे को शुद्ध किया गया है, और जो है मैं पवित्रता के मार्गों में आगे जा रहा हूँ। और वचन कह देता है कि धर्मी जन अगर 7 बार गिर भी जाए तो यहोवा परमेश्वर उसको खड़ा करने की योग्यता रखता है। हालेलुया। इसीलिए हम निराश नहीं होते, इसीलिए हम अपने जीवन को जो है परमेश्वर के हाथों में निरंतर सौंपते हैं, क्योंकि परमेश्वर ही है जो हमें आगे की ओर ले जा सकते हैं। हालेलुया। और हम आज के संदेश को जो है हम यहाँ पे समाप्त करते हैं, लेकिन आज एक विशेष भाग में जाना चाहते हैं जो परमेश्वर की टेबल है, जो परमेश्वर की मेज है। और इस मेज में जो है हमें याद दिलाया जाता है कि हमें जो है किस प्रकार से यीशु मसीह के सिद्ध बलिदान के द्वारा जो है हमें बचाया गया है। और उसी भाग को मैं आपके सामने वचन में से पढ़ूंगा कि जो है पहला कुरिन्थियों उसके 11 अध्याय में क्या लिख दिया गया है कि प्रभु के भोज के बारे में बताया गया है, जो प्रकाशन के रूप में परमेश्वर के दास को दिया गया है, कि जिस रात यीशु पकड़वाया गया उसने अपने चेलों के साथ रोटी ली, रोटी को तोड़ा और उसने कहा कि धन्यवाद देकर रोटी को तोड़ा और कहा यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है और मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी प्रकार से उसने रोटी के पीछे कटोरा भी लिया और ये कहा कि यह मेरे लहू में नई वाचा का कटोरा है, जब तुम इसे पिया करो तब मेरे स्मरण के लिए किया करो, क्योंकि जब तुम इस रोटी में से खाते हो और तुम इस कटोरे में से पीते हो तो जब तक प्रभु ना आए तब तक उस
उसकी मृत्यु का प्रचार करते हो। ये हम जो है ये एक हमारे विश्वास का अंगीकार है, हम परमेश्वर की मेज को जो है स्मरण करते हैं कि यीशु मसीह की मेज हमारे लिए जो है एक जो है तैयार की गई और यीशु मसीह के शरीर को हमारे लिए तोड़ा गया, यीशु मसीह के लहू को हमारे लिए बहाया गया ताकि हम परमेश्वर के सन्मुख आ सकें और परमेश्वर के सन्मुख अपना जीवन बिता सकें। हालेलुया। और इसीलिए आज हम इस परमेश्वर की मेज में भाग लेंगे और ये ध्यान करेंगे कि यीशु मसीह का लहू हम रोटी शरीर हमारे लिए तोड़ा गया और यीशु मसीह का लहू हमारे लिए बहाया गया। आइए हम प्रार्थना करें और इसके लिए रोटी के लिए और प्याले के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। पवित्र पिता आपका धन्यवाद करते हैं, पिता आपका धन्यवाद करते हैं उस रोटी के लिए जो शरीर जो स्वर्ग से आती है अर्थात हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के लिए और उस रोटी के लिए प्रभु जी जो हमें जीवन देती है परमेश्वर उस धन्यवाद करते हैं उस लहू के लिए जो कलवरी क्रूस से बहाया गया प्रभु जी। इस रोटी के ऊपर और इस प्याले के ऊपर आपकी आशीष हो, जबकि हम इसको प्रभु जी लेते हैं तो इसके द्वारा हम आत्मिक बल को पाएं और प्रभु जी इसके द्वारा हम नए हो जाएं परमेश्वर, इसके द्वारा प्रभु जी हमारे विश्वास को प्रभु जी अब और मजबूत और पुख्ता करें और हम आपके लिए आगे को अपना जीवन बिता सकें। हम सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, हम कमज़ोर हैं प्रभु जी, हमें यदि किसी बात में हमने आपको दुख पहुँचाया तो हमें क्षमा करें और हमें आपके दीनता में आपके प्रभु जी पवित्रता में आगे ले जाने के लिए हमारी सहायता करें प्रभु जी। प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए हम प्रभु की मेज में भाग लेंगे, हम प्रभु के देह में शामिल होंगे। आप अपने अपने स्थानों पर रोटी को अपने हाथों में ले सकते हैं और हम पहले रोटी में भाग लेंगे और उसके बाद हम परमेश्वर के प्याले को भी पिएंगे। आइए हम परमेश्वर के प्याले में भाग लेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने परमेश्वर के इस मेज में भाग लिया है और ये आपके लिए एक आत्मिक उन्नति का एक अनुभव का आत्मिक अनुभव का और आत्मिक उन्नति का कारण बना है और हम इस प्रकार से परमेश्वर की मृत्यु को स्मरण करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु का ऐलान करते हैं और अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के पद चिन्हों के ऊपर चलने के लिए हम अपने आप को समर्पित करते हैं। तो आइए इन अंतिम वचनों के साथ हम प्रार्थना में जाएंगे और हम आज की इस आराधना सभा को यहीं पर संपन्न करेंगे। परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हम सबको ये मौका दिया कि हम आपकी मेज में भाग ले सके, आपके वचनों के लिए धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि हम सौल के समान ना हो प्रभु जी, जो कि प्रभु जी एक संसारिक बातों की ओर उसका जीवन का रुझान था और हम देखते हैं कि वही प्रभु जी उसके लिए आत्मिक हानि का और उसके प्रभु जी एक पतन का आत्मिक पतन का कारण बना। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी धार्मिकता के सच्चाई के भूखे और प्यासे हों, हम आपकी ओर केंद्रित हो सकें परमेश्वर और आपके रेफरेंस में होकर के अपने जीवन को बिता सकें परमेश्वर। आज के इस प्रभु जी आराधना सर्विस को आपने हमें भाग लेने के लिए अनुग्रह दिया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। उस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की न टूटने वाली सामर्थ्य उपस्थिति हम सबके साथ और हर एक ईमानदारों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दें प्रभु के प्रेम में और प्रभु की संगति में और परमेश्वर के खोज में, परमेश्वर की धार्मिकता की खोज में आगे की ओर कदम बढ़ाते जाइए क्योंकि आपका जो परिश्रम है वो प्रभु यीशु मसीह में व्यर्थ नहीं है। शालोम, प्रभु आप सबको आशीष दे, आमीन।